मैं सही कह रहा हूँ, आप साइलेम स्कूल में जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे माहौल खड़ा किया है। मैं मतदान केंद्र का नाम भी ले रहा हूँ और संवेदनशील जितने मतदान केंद्र हैं वहाँ पे एक दहशत का माहौल खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा रायपुर में, उसके एक सहयोगी के रूप में जो है केंद्र से पैसे की कमी नहीं होगी। मतदान प्रारंभ हो गया उसके बाद भी कह रहा हूँ मैं, इस शहर में नए विकास के आयाम गढ़ेंगे, एक आदर्श राजधानी के रूप में विकसित करेंगे और सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है उसी दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। आपने कहा धांधली, अभी मतदान करके आया हूँ। छत्तीसगढ़ की लगभग 40 लाख जनता, हमारे भाई बहन आज ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं भी अपने आप को ठगा महसूस करके आज मतदान किया है। हम सब ने सोचा था दो वोट डालेंगे। लोकतंत्र के अंदर में हम अपना महापौर चुनेंगे, नगर पालिका नगर पंचायत वाले अध्यक्ष चुनेंगे, लेकिन इन लोगों ने, भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार ने 40 लाख जनता का एक वोट छीना है। हमने सोचा था कि मशीन में बटन दबा के जो है मतदान करेंगे, लेकिन उसको बैलेट पे लाके खड़ा कर दिया। सवेरे से मेरे पास में फोन आ रहे हैं, साइलेम स्कूल से फोन आ रहा है कार्यकर्ताओं का कि वहाँ किसी का आईडी चेक नहीं कर रहे हैं और जो पाए वो जाकर वहाँ पे मतदान कर रहे हैं। फर्जी मतदानों की भी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन ये सब के बावजूद जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का महापौर और अध्यक्ष चुनेगी, हमारे पार्षद चुनेंगे और ये पार्षद जो है महापौर और अध्यक्ष को बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर में मंत्री लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस के पार्षद नहीं होंगे तो विकास नहीं होंगे। मुख्यमंत्री जी और उनके सारे मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की तासीर को नहीं समझा है। हमारे प्रदेश के लोग हाथ जोड़ने से वोट देते हैं, धमकी से वोट नहीं देते, और हम हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ में प्रदेश की जनता से हम निवेदन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को आप जिताएं, हम विकास करके देंगे। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति स्पष्ट है और इस काम को हमने किया है। रायपुर शहर के स्मार्ट सिटी का परसों दिल्ली के अंदर में सारे अधिकारियों को तलब किया गया है। मैं भी कल रात के दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ पे स्मार्ट सिटी की चर्चा होगी। केंद्र पैसा दे रहा है, उसका दुरुपयोग रुकना चाहिए और इसके लिए हम केंद्र का जो पैसा है उसका एक एक पाई ईमानदारी के साथ में खर्च हो, इसका प्रयास मैं परसों से चालू कर दूँ। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक से जुड़े रहने के लिए फेसबुक पर DNX TV सर्च करें। ट्विटर से जुड़े रहने के लिए ट्विटर पर DNX TV सर्च करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dainandini.in पर लॉगिन करें।